वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप रियली में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो हमारा टेस्ट सीरीज जो भी ऑफर प्राइस पर है 299 रुपीज़ का, तीनों का हम ऑफर कर रहे हैं आपको। 90+ टेस्ट देंगे, 10 फुल लेंथ होगा जो बहुत अच्छी तरीके से हमने बनाया है विथ सल्यूशन, करंट अफेयर सब पर कंप्लीट है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन है, जाइए अभी बाय करिए, वीडियो को पॉज कर लो, बाय करो, इसमें रैंक दिखता है, मज़ा आ जाएगा आपको टेस्ट सीरीज देख के, ठीक है। तो जल्दी बाय करिए उसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप SSC JEE का 2024 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आपका प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटजी कैसे होना, क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, देखो भाई आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, आपने टाइम लिमिट जो देख लिया होगा, वैसे भी 1 महीना पीछे चल रहा है ये जो आपका हिसाब किताब है आप देखेंगे यहाँ पर। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा देखेंगे, इसमें इसके बीच में एग्ज़ाम होगा पेपर 1 का, 4-6 मतलब जून में आपका एग्ज़ाम है, अप्रैल में 2 महीना आपके पास है, 60 डेज है। तो आपके पास दो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग, दो तरह का बच्चे आप लोग होंगे, एक होगा बिल्कुल बिगिनर, उसको कुछ पता होता है नहीं और उसको बस प्रिपरेशन करना है, वो कौन होगा भाई, रिसेंटली पास आउट किया है, नौकरी छोड़ दिया है, नौकरी पसंद नहीं आया या नौकरी लगा नहीं, उसको दिख रहा है अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर 60 डेज आप सही से काम करोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और इसी के बीच और एक गुड न्यूज़ देता हूँ आपको, और क्या है, हमारे जो फ्री नॉन टेक में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल बच्चे होते हैं ना, और पेपर 1 में नॉन टेक होगा, ये पेपर 1 में जो है आपका नॉन टेक होगा, आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आता है, जनरल अवेयरनेस प्रॉब्लम आता है, ये तो भाई साहब पढ़ना पड़ेगा आपको, बट रीजनिंग में जो प्रॉब्लम, जो हमारे टेस्ट सीरीज से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगा, रीजनिंग का जो क्लासेस फ्री, हमारे जो टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल है, अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा तो उस पर आपको फ्री आएगा, 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे फ्री क्लासेस, ठीक है। बस आप क्या करना, आप चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लेना, ये जो हमारे पास है ये है, इस पर आपको फ्री क्लास आएंगे रीजनिंग के, पूरा कंप्लीट रीजनिंग डेली लगभग एक क्लास आपको देंगे, डेली 1 क्लास यू विल गेट इस चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है, फ्री क्लासेस, और लेवल हुआ क्वेश्चन का आपको मजा ही आ जाएगा, दैट आई गारंटेड। ओके, आगे बात करते हैं। तो अपने पास सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहले देखना है एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एग्जाम के अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहां पर आप देखिए, सो पेपर 1 का जो हमारा होने वाला है, इसमें 2 पार्ट है, एक नॉन टेक पार्ट है NT, और एक क्या है टेक पार्ट है टेक। टेक में कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। नॉन टेक में क्या रहता है, 100 क्वेश्चन, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, 100 नंबर, ये पेपर 1 का हिसाब किताब है। 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं सिर्फ 2 आवर्स में। तो इस तरह का एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई साहब आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, हम गलत कर देते हैं, बहुत सारे सिली क्वेश्चन, सिली मिस्टेक हमसे हो जाता है। इससे बचने का सिंपल तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मूवीज में बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एक मूवी में बोला, कोई बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मूवीज ना देखता नहीं मैं, तो कब छोटे में देखा था, वैसे ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रिवीजन तो करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, सबको आता है वो, बट आप दूसरों से अलग कैसे होंगे, उनको कैसे कंपटीशन में बीट करेंगे, दैट देयर इज ओनली 1 कंसेप्ट, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट सक्सेस इन कंपटीशन एग्जामिनेशन, जो मैंने अब तक देखा है, जितने मेरे स्टूडेंट अच्छे रैंक लाए हैं वो सारे स्टूडेंट एक ही बात बोलते हैं, सर हमने प्रैक्टिस करा, सर हमने प्रैक्टिस करा। कहानी आपको समझ में आया, तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, टेस्ट सीरीज भाई, टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया जरिया है प्रैक्टिस करने के लिए, हैबिट डालने के लिए, जो हम टाइम लिमिट से देते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो हमारे टेस्ट सीरीज में है, उसको जरूर बाय करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन है सारे ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का। इस
इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सिलेबस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको मिलेगा। तो ये हो गया पेपर वन। पेपर टू जो है आपका, ये पिछले एक साल से हो रहा है, मतलब इससे पहले सिर्फ एक ही बार पेपर हुआ है, ओनली वन टाइम हुआ है पेपर। अभी क्या होगा आपका, अभी पेपर टू में क्या है आपका, टेक ही आता है, नॉन टेक नहीं आता है। तो नॉन टेक नहीं आता है मतलब इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का, टाइम होगा सिर्फ 2 घंटा। इसमें बोलेंगे बहुत अच्छा गेट लेवल क्वेश्चन आएगा, नहीं भाई नहीं आएगा। गेट का हो सकता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आएगा, बिकॉज टाइम बहुत कम मिल रहा है आपको। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट समथिंग सेकंड मिल रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन वो डाल नहीं सकते। गेट में रहता है 65 क्वेश्चन 3 घंटे में, मतलब लगभग 3 मिनट एक क्वेश्चन का, इसमें लगभग एक उससे हाफ नहीं मिल रहा है आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दैट इज वाई यहाँ पर वो लेवल का क्वेश्चन, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएंगे गेट के। ओके जी, ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम पैटर्न हमारे को समझ में आ गया, स्टार्ट कहाँ से करें, टेक्निकल स्टार्ट करें, नॉन टेक स्टार्ट करें, भाई साहब स्टार्ट कहीं से भी कर लो जो आपको आता है। बट ये एक बार याद रखना, ये गलती बच्चे क्या करते हैं, एक पढ़ता गया भूलता गया, दूसरा पढ़ता गया, वो नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ लिया, पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, जो आसान है सबसे आपके लिए, मज़ा आ रहा है पढ़ते, वहाँ से स्टार्ट करो। और स्टार्ट करना मतलब है नहीं 2 घंटा पढ़ा फिर 4 घंटा घूम गया, नहीं भाई, पढ़ाई ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहे हो, देना पड़ेगा यार, तभी तो एग्ज़ाम क्रैक होगा। मेरा पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रहा है, करना पड़ेगा भाई, तभी तो एग्ज़ाम क्रैक होगा। बढ़िया नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा, नहीं हो रहा है बहाना नहीं चलेगा, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा जी। अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको बढ़िया जॉब चाहिए, करना पड़ेगा। अगर आगे का लाइफ आपको अच्छा चाहिए, करना पड़ेगा। अगर अच्छे घर बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदना है, बच्चों को अच्छे पढ़ाना है, पापा मम्मी को अच्छे मेडिसिन देना है, घुमाने ले जाना है, तो भाई करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा जी, उसको छोड़ नहीं सकते। हमारे पास यही है जो हम ऐसे देखो, जैसे मैं हूँ बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं, टीचर अच्छा हूँ मुझे पता है, आई नो दैट, बट एक बिलो एवरेज स्टूडेंट मैं था 10th 12th क्लास तक, फिर मैं टॉपर हो गया, सबके आइज में आ गया। तो मैंने दोनों तरफ का चीज़ टेस्ट किया हुआ है, बिलो एवरेज कैसे होते हैं, टॉपर कैसे बनते हैं, बिलो एवरेज में लोग कैसे आपको देखते हैं, कैसे बातें करते हैं, टॉपर बनते हो तो कैसे देखते हैं। सिमिलर वे में मैंने ये भी टेस्ट किया है, जब पैसा नहीं होता है लोग कैसे आपके बातें करते हैं, जब पैसे भर भर के कमाते हो तो लोग कैसे आपसे बातें करते हैं। सो आई हैव टेस्ट बोथ द साइड्स। जब बोथ साइड्स टेस्ट करते हैं लाइफ में तो आपको बहुत एक्सपीरियंस रहता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई ऐसा मैंने टेस्ट कर पाया, और प्रभु के दया है तभी मैं टेस्ट कर पाया। ठीक है, ओके जी, आगे आते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपको आता है, सर ठीक है हम समझ गए पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस, नेगेटिव मार्किंग है भाई, पेपर वन का नेगेटिव मार्किंग है 1/4, पेपर टू का नेगेटिव मार्किंग है 1/3। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आपने गलत करा पेपर वन में तो माइनस कितना हो जाएगा, 0.25। पेपर टू में गलत करा आपने तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा एक गलत क्वेश्चन से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की बात कर लेता हूँ। देखो आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, 12,000 के आसपास लोगों ने अब तक ज्वाइन कर लिया है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर जॉब्स के नोटिफिकेशन, करियर गाइडेंस पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। तब बात करते हैं, उसमें PDF में डाल दूंगा सिलेबस का। तो पेपर वन का जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा नॉन टेक वाला पार्ट है, उसकी पहले बात करते हैं। रीजनिंग का ये हमारा सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का ये हमारा सिलेबस है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ये आप लोग मत देखना, आप सिलेबस देखना इसका, सिविल का ये हमारे पास सिलेबस है। सो सिविल का सिलेबस जो हमारा है, आपको पेपर वन के लिए भी, पेपर टू का प्रिपरेशन कर रहे हो या वन कर रहे हो, टेक्निकल का प्रिपरेशन में आप उसी को फॉलो करिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस को। नहीं तो क्या ना, इस चक्कर में फंस जाओगे, आप बोलोगे इतना ही तो सिलेबस है, जब पढ़ने जाएंगे तो बोलेंगे क्या टॉपिक पढ़ूं। एग्जांपल देता हूं, मैकेनिकल में मशीन डिजाइन बोल दिया एक टॉपिक है, ऐसा नहीं है भाई, वो एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, कौन सा पढ़ें,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर टू के पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये सिविल का सिलेबस आपको मैं दिखा रहा हूँ, वैसे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, पूरा सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। ये जो बच्चे फ्री कोचिंग करना चाहते हैं मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल, वही टॉप टेस्ट चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाके आपको फ्री कोचिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे थ्योरी मशीन मशीनरी में देखिए कितना सिलेबस है, ये सारा पढ़ना पड़ेगा, आप चाहे पेपर वन का प्रिपरेशन कर रहे हो या पेपर टू का। तो भाई आप पेपर वन का प्रिपरेशन अगर तरीके से करते हो, पेपर टू का प्रिपरेशन हो जाता है। आपको भाई साहब अपना एफर्ट सही जगह पर लगाना होगा, नोट्स डाउनलोड करना नहीं है, खुद का नोट्स बनाना है, पढ़ाई करना है, बेसिक क्लियर करना है, टीचर का हेल्प ले सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। अब आता है किताब कौन सा बाय करें, आपके अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसको रेफर करिए, और प्लस कुछ किताबें हैं जो आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, रीजनिंग के लिए, उसके बाद जीके के लिए, और आपके टेक्निकल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो मैंने बोला, उस सारे का किताब का लिस्ट मैंने डाल दिया है एक लिंक में, सारे ब्रांचेस का, चाहे आप सिविल से हैं, चाहे मैकेनिकल से हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल से हैं, उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये सारे ब्रांचेस का जो आपका सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल को हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, ये सारे सिलेबस मिल जाएगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। और जो किताब का लिंक है, टेस्ट सीरीज का लिंक है, वो है डिस्क्रिप्शन में। अब टेस्ट सीरीज कैसे देना है मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप्स, इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना काम बनेगा। सबसे पहले क्या करो, बेसिक क्लियर कर लीजिए आप, क्लियर बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आपने क्लियर कर लिया। दूसरा क्या करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ देखना है, सॉल्व नहीं करना है, देख के आपको पता लगेगा कि कैसा अप्रोच लगता है। 2-4-5 क्वेश्चन देखिए, उसका सलूशन पढ़िए, उसके बाद आपको लगेगा कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बनेगा आपका। फिर क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद से, ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस उस चैप्टर का। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, आपको देखेंगे आप एक गड़बड़ी करेंगे, आप थोड़ा सा जैसे आपको लगेगा कि ट्विस्ट कर दिया, आप सोल्यूशन देखने जाएंगे, नहीं, सोल्यूशन देख के आपने देख लिया। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन देखे सोल्यूशन आंसर मत देखो, 10-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कितना बन रहा है। देखो इस प्रोसेस में आपका अप्रोच बनेगा क्वेश्चन को बनाने के लिए, जब अप्रोच बनेगा मेरे दोस्त, वो है गेम चेंजर थिंग। उन वो अप्रोच काम आएगा एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जो मैं आपको बता रहा था, टेस्ट सीरीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने यहां पर कर लिया, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप है, एंड चौथा स्टेप क्या है, टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज लगा के एक कॉपी लगाना है, और आपको देखना है किस तरह क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, एक शॉर्ट नोट बना लो, मतलब एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाओ हर सब्जेक्ट का, जो की पॉइंट्स है, जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको पता लगता है, आपको लगता है की पॉइंट्स है जो हेल्प करता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन सारे की पॉइंट्स का टेस्ट सीरीज जो सीख रहे हैं। खाली हमारा टेस्ट सीरीज बाय मत करो जी, 2-4 जगह से बाय करो, जितना करोगे अच्छे से प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आपका होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। कंपटीशन है भाई, कुछ नहीं कर सकता, करना पड़ेगा जी, ठीक है जी। तो ये करा आपने चौथा स्टेप, और साथ में डेली 1 घंटा रिविजन करना है आपको, 1 आवर रिविजन इज मस्ट, 1 घंटा डेली रिविजन करना। अब आता है सर जी कितना घंटा पढ़ाई करें, मिनिमम 8-10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी ऐसे एग्जाम क्रैक होते हैं, बिकॉज इसमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। वन सेकेंड वेरी करेगा, फिर भी होने का गारंटी कुछ खास होता नहीं है। बट अगर सरकारी नौकरी चाहिए आपको, अगर आपको कंपटीशन में बाकी लोगों से आगे निकलना है, एक ही गुरु मंत्र मैं आपको देता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर कम सीट्स में भी आपका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भाई इस मौके को आप अच्छे से, अच्छा और एक बात, बहुत से बच्चे ना सैड फील करते हैं जब उनको सच्चाई बोलता हूँ भाई होने का चांसेस कम होता है। देखो यार, मेरा काम है आपको मैनिपुलेट करना, पॉलिटिशियन थोड़ी ना हूँ, फालतू बाधा करूँगा कि आप गरीब मिटा दूंगा, ना भाई ना, फालतू बाधा करूँगा कि आपको मैं करोड़पति बना दूंगा, नहीं नहीं, मैं आपको वही बताऊँगा करना आपको है, मैं आपको बस प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ जो मुझे पता है, जो मैंने देखा है, मेरे इन गाइडेंस को फॉलो करके मेरे बच्चों ने काफ़ी अच्छा करा है, दैट आई कैन डू, एंड वो चीज़ मैं कर रहा हूँ काफ़ी साल से, 12 साल हो गया मुझे इस टीचिंग फील्ड में, 1-2 साल में पता नहीं कितने हज़ार बच्चे मेरे से पढ़ के बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, ये भी बात सच है। मैं तो सबको सेम बताया था,
जो फॉलो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जिसको जो फॉलो नहीं करेगा अपना मनमानी करेगा तो भाई उसको उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ गया। तो आपको मैंने क्या बताया फिर इसमें, एग्जाम पैटर्न बताया, सिलेबस बताया, किताबें बताया, टेस्ट सीरीज बताया, रिवीजन के बारे में बताया और स्टेप्स बताया, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है जी एग्जाम को अच्छी तरह की प्रिपरेशन करने के लिए। यही था इस वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।